ठीक है. या हाय एवरीवन, विमल, मिस्टर डॉक्टर विमल राज माथुर, ग्रेडियन इंफ्रेंट लिमिटेड का चीज़ चेयरमैन एंड एमडी. एक्चुअली मेरा तो काफ़ी सालों से इनसे रिश्ता है, काफ़ी टाइम पहले से मैं इनके साथ में जुड़ा हूँ. सीरियल्स भी काफ़ी बनाए और भी बहुत कुछ काम किया, और पर्टिकुलर और भी बहुत सारे डिविजन्स में हम लोग काम करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो या OTT प्लेटफॉर्म्स हो. पर्टिकुलर अभी इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है, पहले मुझे यूसुफ जो डायरेक्टर है इसने मुझे सुनाया था तो काफ़ी अच्छा लगा था. बट जैसे हम लोग को प्रोजेक्ट अच्छा होता है पर साथ में सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए. प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं बट साथ में उसको आगे बढ़ाना इज नॉट दैट ईजी. तो अचानक से मैंने सर को बोला एक दिन फ़ोन करके कि यार ऐसा ऐसा है, क्या आप थोड़ा सा इसमें आओगे क्या? तो विद इन 5 मिनट्स आई थिंक ही सेड जस्ट गो अहेड, एंड दैट्स हाउ वी, आप टीजर देख ही लिया है. तो वी फिनिश विद द फर्स्ट शेड्यूल. अभी सेकेंड शेड्यूल हम लोग कभी भी इस मंथ के एंड तक में शुरू करेंगे. आई थिंक विद इन 2 शेड्यूल हम लोग इस फिल्म को कम्प्लीट करेंगे. और ये फिल्म बेसिकली मराठी में है बिकॉज अब कोर जो इसका जो सब्जेक्ट है वो मराठी है. कमलेश सावंत करके जो दृश्यम के जो है इज अ मेन एक्टर इन, योगिता इज प्लेइंग अ मेन लीड. तो यही है कि ये एक फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर है सब्जेक्ट, और बहुत जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. नहीं नहीं, मेरा तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स किया हूँ अर्लियर. मैं तो इंडस्ट्री में 94 से हूँ, और अगर 3-4 हिंदी मूवीज़, कुछ तेलुगु मूवीज़ और बहुत से वेब सीरीज, टीवी एड्स काफ़ी किया हूँ मैं. कुछ 4 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं आप, तो क्या अभी अभी तो अभी तो 4 भाषाओं में आ रही है. ऐसा क्या खास था इसके अंदर जो आपने इसको करने के लिए हाथ किया? हमारी बात काफ़ी दिन से चल रही थी क्योंकि हमारे OTT प्लेटफॉर्म भी आने वाला है. OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट के लिए हम रूपेश जी से बोल रहे थे, तो उसमें से ये सजेशन जब किए थे तो इमीडिएटली मुझे अच्छा लगा सब्जेक्ट, तो इमीडिएटली मैंने कहा यस. शूटिंग की बात करें तो कहाँ कहाँ होगी ये? पहले तो अलीबाग में किए हैं, उसके बाद शायद बॉम्बे में थोड़ा बहुत करेंगे, फिर और कोई प्लान करेंगे इसका. रुपेश गिव द स्टोरी. कहानी की ब्रीफ मुझे लगता है यूसुफ ज़्यादा अच्छे से कर सकता है क्योंकि लिखा उसने, डायरेक्टर किया, तो ही इज द बेटर पर्सन टू टेल. कहानी की बात करें हम लोग तो जैसे रुपेश जी ने कहा ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है, और ज़्यादा बताऊंगा नहीं तो फिर स्टोरी रिवील को देखने शेड में आएगा नहीं. स्टोरी बस यही है कि कहावत है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, फिर वो आदमी बहुत खतरनाक हो जाता है. तो जैसे आजकल औरतों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, खासकर अपने पति के द्वारा, तो वो ज़्यादा हो रहा है. तो कहानी कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द में है, जो कैरेक्टर सावित्री का जो योगिता प्ले कर रही है, और जैसे आजकल औरतों के साथ चल रहा है सब, फीमेल में आजकल जो लड़ाई झगड़े चलते हैं घरों में, कहानी उसी के ऊपर. लेकिन कहानी एक अलग जगह मोल ले रहती है, और इस फिल्म में 7 मर्डर है. अब एक कहानी एक हाउसफुल ड्रामा से शुरू होके और एक थ्रिलर, क्राइम थ्रिलर में कैसे तब्दील होती है, ये एक थोड़ी USP है सब्जेक्ट की. तो बाकी आप ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते मैं कहानी के बारे में, तो मैं इतना ही कहूँगा. अच्छा, 10-12 साल पहले बहुत ही नोटोरियस कांड था, निर्भया कांड. उससे कितना आप इंस्पायर्ड हुए अभया बनाने के लिए? इंस्पिरेशन तो पूरे इंडिया को मिला है, सच बताओ तो. मैं अगर कहूँगा नहीं मिला तो एक बहुत गलत बात है. ये निर्भया का एक पार्ट है अभया, वो निर्भया तो बेचारी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये अभया बहुत कुछ कर पाएगी. वो तो बेचारी हार गई लेकिन ये हार नहीं मानती है, लास्ट में इसकी जीत होती है. तो कहीं ना कहीं एक सोशल मैसेज ये भी जाता है हमारी तरफ से, कोशिश की है. बाकी आप देखेंगे तो आप ज़्यादा बता पाएंगे इसको. नमस्कार, मैं योगिता राजपूत भोसले. मैं इस मूवी में अभया इस मूवी में मैं सावित्री का कैरेक्टर कर रही हूँ. सावित्री एक काफ़ी घरेलू जो मिडिल क्लास फैमिली से होती है, और एक तरीके से वो अपने पति से काफ़ी डरने वाली बीवियाँ होती हैं उसमें से कोई एक है, और बस इतना ही कहना चाहूँगी. ये वही कैरेक्टर प्ले कर रही जो मैंने बताया आपको कि कैसे उस पर जो एक अत्याचार होता है और कैसे वो फाइट करती है. वहाँ वो 4 रेप, जैसे आपने बताया निर्भया के सामने रेपिस्ट थे जिसको जानती नहीं थी, यहाँ भी कुछ ऐसे लोग उसके सामने आते हैं जिसका सामना होता है, लेकिन यहाँ वो जीतती है.
बस यही फर्क है। बट कहीं ना कहीं हमारी कहानी डेफिनेट इंस्पायर्ड है निर्भया कांड से, बट स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो अलग कहानी थी। और अगर स्टार कास्ट की बात करें तो और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें कमलेश सावंत जो है मराठी, काफ़ी अच्छे नाम है, बड़े नाम है, जिन्होंने दृश्यम में आपने देखा होगा गायतोंडे के रोल में, वो इनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही कमीना नेगेटिव कैरेक्टर जैसे हमेशा करते हैं। और बाकी के सेकेंड शेड्यूल में कुछ मराठी के बड़े एक्टर्स आने वाले हैं जिससे हमारी बात चल रही है, तो डेफिनेटली कुछ और स्टार कास्ट जुड़ने वाले जिसका हम अपडेट आपको जरूर देंगे। अच्छा, कमलेश को कास्ट करने के पीछे क्या मकसद, क्योंकि विजुअलाइज करते कमलेश और योगिता? नहीं 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 सर, मैं आपको बताऊं, ये जो अभी दिख रही है वो ऐसी पिक्चर में तो नहीं है ना, पिक्चर में इसका कैरेक्टर पूरा अलग है, ये तो अभी ऑफ स्क्रीन तो आपको कैरेक्टर में तो नहीं दिखेगा ना। मैं आगे रुपेश जी की बात का कंटिन्यू करूंगा, वो आपने देखा होगा ना कई बार एक हस्बैंड बड़े पुलिस वालों की बीवियाँ बड़ी खूबसूरत होती है, उनको अंडर टेबल खाने से अच्छे तरक्की से लड़की अच्छी मिल जाती है, वहाँ भी ऐसे ही हुआ है। पावरफुल आदमी है, पुलिस वाला है, बेचारी लड़की दरा धमका के शादी कर ली अच्छे घर से। तो कहानी का कुछ एक कैरेक्टरेशन ऐसा है कि हमको एक अच्छी खूबसूरत लड़की चाहिए था, और हम चाहते तो एक डाक गांव की लड़की भी ले सकते थे, पर कहानी का यही है कि वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड बहुत ही काला खूंखार डरावना टॉर्चर कर रहा है, ये बहुत ही सीधी सादी खूबसूरत लड़की है, तो वो कॉन्ट्रास्ट चाहिए था, इसके लिए पर्पसली इंटेंशनली कास्टिंग की गई। बाकी आपने सही बोला, वही बात है, कैरेक्टरेशन हमारा ऐसा ही कुछ है। क्या करना है अपने ओटीटी पे रिलीज करेंगे वो सर का कॉल रहेगा, बाकी थिएटर रिलीज इज कम्पल्सरी, वी रिलीज इन थिएटर फर्स्ट। हाँ जी, पहले हम लोग मराठी इज द मेन लैंग्वेज, आप आजकल क्या है कि एक मेन लैंग्वेज कोई होती है, इसके बाद में तो सब जगह पे डबिंग होती ही है, कोई भी ओटीटी में अगर आप कोई फिल्म देते हो तो आप एक लैंग्वेज में दे नहीं सकते हो, तो मल्टी लैंग्वेज, क्योंकि तेलुगू में मैं ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में कर रहा हूँ, आई एम ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग फिल्म्स इन तेलुगु, सो आई हैव अ गुड रेपो देयर, यू नो, तो मराठी इज अ मेन, बट साथ में तमिल तेलुगु रिलीज करना इट्स आई एम प्लानिंग टू डू दैट, वी आर प्लानिंग। थिएटर में ओनली मराठी जाएगा? नहीं नहीं, थिएटर में तेलुगु तमिल सब सब लैंग्वेज में जाएगा, एक साथ में रिलीज करेंगे हम लोग। म्यूजिक इसमें देखिए, ये फिल्म कैसी है कि इसमें कोई ऐसा गाना तो है नहीं जो लिप सिंग करके कोई गाएगा, ना कोई कैरेक्टर है, ना ऐसा कोई सिचुएशंस है, बट देयर इज अ बैक, जैसे एक बैकग्राउंड में सॉन्ग होता है, ऐसे हम लोग ने तीन गाने, दो गाने इसके बैकग्राउंड में सॉन्ग में है, एक उसका प्रमोशनल सॉन्ग है, तीन गाने हैं इसमें जो हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर। सिंगर कौन कौन है? सिंगर्स अभी तक गाने अभी तक कंपोज किए नहीं है, अभी हम लोग फर्स्ट रिलीज किया है, तो सिंगर्स कोई अच्छे ही होंगे, अभी तक फाइनल नहीं किया है सिंगर्स को। अच्छा, अभी आप बघताना प्रेक्षकांना काय मेसेज तुम्ही देणार? बोलिए। मैंने कहा ना कि कहा होता ना किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए। नॉर्मली क्या होता है, बहुत सीधे इंसान को, बहुत ही घरेलू औरतें ऐसी होती आज भी है दुनिया में, ऐसा नहीं कि औरतें आगे बढ़ गई है तो संस्कार नहीं है, ऐसी बहुत संस्कारी लड़कियां हैं अभी भी जो पति की आज्ञाकारी है, लेकिन पति उसका फायदा उठाते हैं, उसको गलत समझ, तो वो ना हो। अगर पत्नी अपने पर आ गए, औरत का एक और भी दुर्गा का रूप भी होता है, वो रूप बहुत खतरनाक होता है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो वो एक मैसेज वही हमारे लिए कि जो मैंने आपको बताया, जैसे आपने बताया और हम लोग देखा ट्रेलर, करेक्ट करेक्ट, वुमन एम्पावरमेंट के बारे में है फिल्म, करेक्ट करेक्ट, इसका मतलब है देयर इज नो मेल कैरेक्टर हीरो? नहीं, हीरो नहीं है आजकल सर, क्या हो गया, आप इतने एक्सपीरियंस, आपको क्या बताऊं मैं, आजकल हीरो ओरिएंटेड फिल्में खत्म हो गई, पहले अमिताभ बच्चन के पीछे चार लड़कियां खड़ी होती थी, अभी लड़की खड़ी होती पीछे लड़के खड़े होते, टाइम हैज चेंज और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, कहानी में आप देखो विद्या बालन से शुरुआत हुई थी और ऐसी कई फिल्में बनी, हीरा मंडी में देखो हीरो कहाँ है, लेकिन फिल्म में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है। और कहानी जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसलिए नहीं कह रही, वुमेन है इसमें हीरो, आजकल फिल्मों में हीरो हीरोइन का सब्जेक्ट खत्म हो गया है, अभी कंटेंट चलता है, कंटेंट हीरो है, अब कंटेंट में मेन कहानी है अभरा की, तो इसे हमने दिखाया है। अभी हम काफ़ी चैनल्स स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस चैनल, एंटरटेनमेंट चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये सब लॉन्च होंगे नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द बिजनेस चैनल ये महीने में, म्यूजिक चैनल ये महीने में आएगा। मैडम,
मैडम ने भी इस पे इसमें कुछ कैरेक्टर प्ले किया है, प्लीज टेल। मैंने अभया में सोनाली का कैरेक्टर प्ले किया है कमलेश सावन सर के साथ। सो वो मुझ पे भी अत्याचार करते हैं तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है, आई होप कि आपको पसंद आए। अरे आप दोनों के बारे में कुछ माहिती निगम है, इन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। भले ही मैं कहूँगा कि हीरोइन अभया है, लेकिन इस इनके कैरेक्टर को आप याद रखोगे, अगर फिल्म में देखोगे ना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है ज्योति का। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, हालांकि ये भी मर जाती है, आपको इतना हिंट दे देता हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन क्या होता है, सिंपथी ले जाती कहानी में। मैंने बताया 7 मर्डर है, वरना किरोसिन पता नहीं हम बताएंगे बने बताएंगे नहीं बताएंगे, बोलेगा तो नॉर्मल कहानी लग रही है। 7 मर्डर ऐसा नहीं कि अभया लड़की है गांव की लड़की कहानी है, एक्चुअली थ्रिलर कहानी है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फिल्म में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, मतलब अगर ये ना हो तो ये भी ना ऐसा कैरेक्टर है। नहीं 7 खून माफ नहीं है, ये कोइंसिडेंट है कि 7 मर्डर है, बट 7 खून माफ से कोई इंस्पिरेशन नहीं। हाँ लेकिन निर्भया से एक इंस्पिरेशन जरूर मिला होता है। शुरुआत में जब मुझे सर ने स्टोरी बताई थी, हम लोग ऐसे ही शाम में एक दिन सर और मैं मिले थे सीसीडी में, तो सर ने मुझे स्टोरी बताई थी। तो मुझे काफ़ी, सर जिस टाइम मुझे स्टोरी बता रहे थे, सारे पिक्चर्स मेरे सामने घूम रहे थे कि किसी लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ होगा तो उसको कितनी तकलीफ हुई होगी। तो बस मैंने सर से कहा कि नहीं नहीं मुझे करना ही है, आई एम रेडी। तो बस काफ़ी चैलेंजिंग है, आप देख लीजिए सब कुछ, अगर हम अभी रिवील कर देंगे तो देखने में क्या मज़ा आएगा। लेकिन बहुत बड़ा कैरेक्टर है आपके ऊपर, पूरी फिल्म आपके ऊपर घूम रही है, तो आपने कितना प्रिपेयर किया, आपने आपको कितना तैयारी किया उसके लिए, उसके बारे में? प्रिपरेशंस तो जितनी करी जाए उतनी कम ही होती है, अभी भी प्रिपरेशंस चल ही रही है, इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल के लिए तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे और काफ़ी अच्छे से शूट करेंगे, आप देख लीजिएगा। सबसे बड़ा प्रिपरेशन को हमने मेकअप करने नहीं दिया। हाँ हमने कहा आपको पूरे मूवी में कोई मेकअप नहीं। आप जैसे आपको क्वेश्चन होगा ये लड़की है लाभा तो लग नहीं रही है, सब छोड़ा काम तो ये किया कि इनके लुक को डाउन किया उन्होंने, वर्कशॉप किए। देखिए रिलीज का प्लान ऐसा है कि अभी सेकंड शेड्यूल में हम लोग पिक्चर को शूटिंग पार्ट से ख़त्म कर देंगे। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2-3 मंथ्स फर्स्ट कॉपी विल बी विथ अस। रिलीज तो ऐसा है ना कि वो तो देखेंगे जिस तरह से, एक प्रॉपर टाइमिंग एज यू पीपल नो कि रिलीजिंग का अपने हाथ में होता नहीं है, एक टाइम और सिचुएशन देख के आपको रिलीज करनी पड़ती है, बट आई थिंक विथ फर्स्ट कॉपी विल बी रेडी विद इन 2-3 मंथ्स, ऐसा हम लोग का है। सर रीवा बोला था ना आपने, रीवा में इसका एक शेड्यूल शूट होगा, कहाँ पे होगा? अलीबाग में ऑलरेडी शूट हो चुका है, वहाँ पर हो चुका है, हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट शेड्यूल हो चुका है वहाँ पर। नाउ सेकंड शेड्यूल वी माइट शूट इन अलीबाग और वी माइट शूट इन फिल्म सिटी और लेट्स सी, अभी क्लाइमेट भी देखना है कि बारिश कितनी तक है, क्योंकि पूरा आउटडोर का ही पार्ट है अभी जो शूट करना है। आप बता सकते हैं कितने दिन में शूटिंग प्लान करके कंप्लीट करेंगे? हम लोग का कम से कम 30-35 डेज का शूटिंग का प्लान तो है, बट अभी देख इट्स हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं है ना, अभी आप जैसे करते जाते हो आपको लगता है ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर करना पड़ता है। ये दूसरा सवाल मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आप लोग प्रोड्यूसर जवाब नहीं देंगे, व्हाट आर द बजट ऑफ द फिल्म? सर वो मत पूछिए, बजट फिल्म का पता लगता है क्योंकि अभी बजट पूछेंगे तो आगे पीछे बनानी है हम लोग। बढ़िया, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं तेलुगु फिल्म भी बनाता हूं और मैं अभी गुजराती फिल्म भी बनाने वाला हूं सर के साथ में। नो आई एम नॉट तेलुगु, आई एम फ्रॉम बॉम्बे ओनली, आई एम प्रोड्यूसिंग एवरीथिंग इन हिंदी, बट तेलुगु इज बिन लॉन्ग फ्रॉम 2010 वी आर प्रोड्यूसिंग फिल्म इन तेलुगु। तो लैंग्वेज तो मुझे तेलुगु भी नहीं आती है, मराठी भी नहीं आती है, बट फिल्म में बिजनेस समझ में आता है तो मैं काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मराठी में अगर हम लोग ने किसी ने कुछ बोला नहीं है तो शी इज़ द ओनली पर्सन शी कैन टॉक समथिंग इन मराठी। आपने कुछ पूछा था मराठी में, वो मैंने आपका बीच में काट दिया था। तो या रोल बदल काय तरी सांगा। नमस्कार, मी योगिता भोसले, मी अभया या चित्रपटामध्ये सावित्रीच्या भूमिकेत तुम्हा सगळ्यांच्या समोर येणार आहे।
माझ्यासाठी अतिशय चॅलेंजिंग असा रोल आणि मी माझ्या पूर्ण आयुष्यातला हा माझा पहिलाच रोल जो माझ्यासाठी खूपच खूप आठवणीत राहणारा असणार आहे. आणि तुम्ही पाहाल खूप छान एक छोट्याशा गावातली अतिशय मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास म्हणालात तरीही चालेल आणि आपल्या नवऱ्याच्या जाचाला कंटाळलेली बाई कुठपर्यंत सर्व्हाइव्ह करू शकते हे तुम्हाला इथे बघायला मिळेल. आणि आपण अशा बऱ्याचशा स्टोरीज पाहिल्या आहेत लहान मुलींवर जसं सर म्हणाले तसं निर्भया हत्याकांड किंवा त्या व्यतिरिक्त बऱ्याचशा अशा गोष्टी आपल्या आसपास घडल्या आहेत ज्यामुळे आपण खूप त्रस्त झालेलो आहोत आणि आपलं अग्रेशन कुठे निघणार आहे आपल्याला माहिती नाही आहे. त्यामुळे ही मूवी तुम्ही पहा, नक्कीच पहा, तुम्हाला खूप आवडेल कारण आपल्या घराघरामध्ये छोट्या छोट्या मुली आहेत. त्यामुळे नक्कीच ही मूवी पहा. थँक्यू सो मच. योगिता हजबंड बरोबर भांडण करून घरातून निघते तू. अच्छा, पण नाव कशाला सावित्री ठेवलं? सत्यवान सावित्री सरकार. नाही, हजबंड सोबत भांडण करून घरातून निघत नाही. हजबंड म्हणतो जायचं नाही आणि मी सगळ्या गोष्टी त्याच्या ऐकतच आले. तुम्ही फक्त स्टोरी पहा तरी ना सर, तुम्हाला कळेल त्यामध्ये. अल्टिमेटली जेव्हा ती कधीच भांडत नाही आणि तो म्हणजे ती त्याला कधीच कोणत्याच गोष्टीला उलटही बोलत नाही. ती अशी अतिशय सोजवळ, अतिशय म्हणजे घाबरणारी अशी भित्री बायको असते. पण एनी रेलेव्हन्स ही टायटल नाव सावित्री? हा, इसका है करेक्ट है सावित्री नाम. आगे आगे एक सीन में क्या होता सर, सावित्री को भी ज्योतिबा ने मोटिवेट किया था. आप सबको इसकी पता है सावित्री बाई पहले तो वो डरती थी, मैं कैसे पढ़ूंगी, मुझे पढ़ना नहीं आता. वो पहले वो भी घबराती थी, पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो इंस्पायर किया, नहीं तो कर सकती है. तो वहाँ इस कहानी में तो हस्बैंड तो महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं है, लेकिन वो काम ये कर रही है. मैंने कहा उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ये कहती तरह सावित्री है समाज से जिसने लड़ा था, अंग्रेजों से लड़ा था. ये औरत ने लड़ी थी, यहाँ भी लड़ी है. बस फर्क ये है कि वहाँ अंग्रेज थे, यहाँ कुछ गुंडे हैं जो औरत को बहुत कमजोर समझते कि आराम से चिड़ी के मार सकते हैं. ये सावित्री भी लड़ी है, बट उस जमाने में लड़ाई कुछ और थी. आज वक्त बदल गया तो सावित्री भी बदल गई है. नाम वही है बट अभी सिचुएशन बदल गई है. अच्छा, अभी 7 जन बैठे सिर्फ इससे कुछ सुना ही नहीं. शी इज माई अवर वेरी गुड फ्रेंड एंड हम लोग फ्यूचर में वी आर वर्किंग आउट. इस फिल्म में नहीं है बट आने वाले प्रोजेक्ट में हम लोग वी आर गोइंग टू डू समथिंग, जो अभी तो मैं बोल नहीं सकता, बट या शी इज गोइंग टू बी समथिंग अ बिग प्रोजेक्ट विद हर. आई एम हियर फॉर द मॉरल सपोर्ट माय गुड फ्रेंड, सो आई एम हियर टू स्टीयर देम अप. या, सो नाइस ऑफ यू. यू कैन टेल अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ आल्सो. So, yeah, so I am Navpreet Kaur. I am an actor, a model, and an anchor as well. English? Yeah. Achha. I'm also a Femina Miss India, and I loved the teaser of the film. Mujhe bada acha laga, and I cannot wait to watch it because I've loved the way you portrayed your character, Savitri. So, I'm really excited, and I'm sure all of you must be as well. So, yeah. Thank you. हेलो विद रुपेश जी, जो राशि प्रोडक्शन रिलीज़ किया था लॉकडाउन के टाइम रिलीज़ हुई थी, तो महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में रिलीज़ हुई थी और पूरे आंध्र में रिलीज़ हुई थी. इसका कॉमेडी फिल्म, कॉमेडी फिल्म बहुत जल्द होगी OTT पर आने वाली. गैप के बाद क्योंकि क्या था, हम लोग कुछ उसको कुछ सोच रहे थे. आर्टिस्ट स्टार्स नहीं थे, स्टार्स थे हैदराबाद के, स्टार्स थे तेलुगु के, स्टार्स थे कुछ फॉरेनर एक्टर थे, अमेरिकन एक्टर्स थे, चाइनीज एक्टर थे उसमें. वो फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं अभी यहाँ बात करके मतलब नहीं है, वो कुछ अलग कॉन्फ्रेंस हो जाएगी. अच्छा, वो हिंदी या तेलुगु में? नहीं नहीं, हिंदी, प्रॉपर हिंदी होगी. पर उसमें वो हैदराबाद के जो नॉन एक्टर्स है सलीम और ऑल दैट, उनको लेके कुछ सलीम फेकू है, एक्सपेरिमेंट किया था लॉकडाउन में करके रिलीज किया था थिएटर में हम लोग. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, थैंक यू.